गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी लोगों की क्वेरीज ये आ रही है कि अगर हमने 31 मार्च 2019 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी है तो क्या आप उसे फाइल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सारे सिचुएशन शेयर करने वाला हूँ कि क्या आप फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर फाइलिंग नहीं कर सकते तो क्या इसका ऑप्शन रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आप भी अपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं किसी भी कारण से तो इस वीडियो को देख करके आप ये समझ पाए कि अब करना क्या है। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इनकम टैक्स अपडेट, क्या असेसमेंट ईयर 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल कर सकते हैं। जब मैं असेसमेंट ईयर 18-19 की बात करता हूँ इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 17-18। 17-18 का मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी वो हम लोगों को फाइल करनी थी 31 मार्च 2019 तक, जो कि असेसमेंट ईयर 18-19 था। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का आज नोटिफाई हो चुका है फॉर्म्स, ये आपको फाइल करनी है 31 जुलाई 2019 से पहले और 30-9-2019 से पहले ऑडिटेड एंड नॉन ऑडिटेड केस के। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट ईयर 18-19 मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो केस है, मैं तीन केस आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस तीनों केसेस के अंदर आपके सारे चीज कवर हो जाने वाले हैं। सबसे पहला केस है असेसी हैविंग टैक्सेबल इनकम अप टू ₹2,50,000। अगर आपका इनकम जो है टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 2,50,000 या उससे कम है, टैक्सेबल इनकम मतलब होता है कि आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है, सपोज करते हैं आपकी सैलरी थी 5 लाख रुपीज की और आपने डिडक्शन क्लेम किया है 1,50,000 का और आपका कुछ हाउसिंग लोन वगैरह कटता है तो सब कुछ कट कटा करके जो टैक्सेबल इनकम है जिसमें आपको टैक्स कंप्यूट करना है, जिसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होनी है, वो अमाउंट अगर 2,50,000 से कम है इन केस ऑफ इंडिविजुअल। मैं जो आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल केसेस की बात करूंगा, पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनीज के केसेस के लिए हम लोग कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले, ये मैं सिंपली इंडिविजुअल एसएससीज की बात कर रहा हूं। तो आपका अगर वो टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से नीचे चला जाता है, दैट मींस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम अगर आपका इनकम रहता है, टोटल इनकम जीटीआई हो सकता है उससे ज्यादा हो लेकिन टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से अगर कम रहता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। उस सिचुएशन में देयर इज नो नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड नो एक्शन नीडेड। इस केस में आपको ना तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत है और ना ही आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपने फाइल नहीं भी करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न वैसे भी फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने से नुकसान क्या क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इनकम टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, हाउसिंग लोन्स एक्सेट्रा। जब आप किसी भी बैंक के पास अप्रोच करते हैं लोन्स लेने के लिए, चाहे वो आप बिजनेस लोन के लिए अप्रोच करते हो, चाहे आप पर्सनल लोन के लिए अप्रोच कर रहे हो, चाहे आप कार लोन्स के लिए अप्रोच करते हैं, तो आपको जो है बैंक वाले पूछते हैं प्रीवियस 3 इयर्स या 2 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड कंप्यूटेशंस के रिक्वायरमेंट करते हैं। तो अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न मिस कर दी है 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए तो उसे आप फाइल तो नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। सिर्फ एक सिचुएशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अगर आपने फाइल नहीं करी है तो आपको ये एक डिमेरिट हो सकता है कि अगर आप लोन लेने जाए तो बैंक वाला जो है वो आपके पेपर को प्रोसेस करने में थोड़ा सा परेशानी कर सकता है, इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ये हो गया फर्स्ट केस कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से कम है तो क्या करना है। अगर इस केस में आपके पास नोटिस आता भी है फिर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है क्योंकि आप वैसे भी लायबल नहीं थे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, बट आप फाइल करते तो आपको आगे जो फर्दर यूज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। दूसरा सिचुएशन है असेसी हैविंग टैक्सेबल इनकम मोर देन 2,50,000 एंड टीडीएस एंड एडवांस टैक्स नॉट पेड। अब पहला केस तो था कि आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो 2,50,000 से कम है। अब दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि आपकी इनकम जो है वो 2,50,000 से ऊपर है, दैट मींस यू आर लायबल फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी। और इसके साथ एक कंडीशन और है कि आपकी जो इनकम है उसमें या तो आपने एडवांस टैक्स पे करना था, आपने वो एडवांस टैक्स भी पे नहीं करा, या फिर उस पर कोई टीडीएस भी नहीं कटा हुआ है,
दैट मींस कि आपने इनकम तो जनरेट करी है और उसमें ना तो आपका कोई एडवांस टैक्स जमा किया हुआ है ना ही कोई टीडीएस कटा हुआ है और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करी है। ये सिचुएशन सबसे ज्यादा डेंजरस है, इस चीज को, इस सिचुएशन को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अब करना क्या है, इन दिस केस इनकम टैक्स रिटर्न कैन नॉट बी फाइल नाउ इन एनी सर्कमस्टांसेस। इनकम टैक्स रिटर्न तो किसी भी सिचुएशन में आप फाइल नहीं कर सकते, आपने चूंकि टैक्स जमा नहीं किया है ना ही आपका टीडीएस कटा हुआ है तो इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अब आप कर क्या सकते हैं, आपको करना क्या है, इट इज एडवाइजेबल, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजेबल है, ये कोई भी लीगल पॉइंट व्यू मैं आपको नहीं शेयर कर रहा हूं, ये सिर्फ एडवाइस है फॉर योर सेफ्टी। इट इज एडवाइजेबल टू मेक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। ये अच्छा रहेगा कि आप अपनी 17-18 की इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन शीट जरूर प्रिपेयर करें कि आपने कितना आय कमाया है, कितना आपका डिडक्शन है, क्या टैक्स कंप्यूटेशन बनता है, क्या टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स वगैरह सारा कुछ। एंड पे द सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 और जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है एज बेस्ड ऑन योर कंप्यूटेशन, आप उस टैक्स लायबिलिटी को चलान यूज करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जरूर जमा करवा दे, एज इट वुड बी अ सेफगार्ड इफ नोटिस फॉर नॉन फाइलिंग हैज बीन रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विल बी सेव्ड। तो इससे होगा क्या, अगर आप अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवा देंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, सपोज आपको कल को नोटिस आती है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है, ठीक है हमने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया, लेकिन आपके पास उस टाइम पे ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे किया होगा वो आपको सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकता है। किस तरीके से सेफगार्ड, इस तरीके से आपको मिलेगा कि आपने जब अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होगा तो मान ले एक साल के बाद आपको नोटिस आता है तो एक साल का जो लेट पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो इंटरेस्ट आपको लगता वो आपका सेव हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपने रेवेन्यू का कोई भी लॉस नहीं होने दिया तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल प्रोसेस आईटीआर फाइलिंग प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को फॉलो नहीं करने के लिए आपको ज्यादा पेनल्टी भी ना देनी पड़े और कोर्ट्स जो हैं इस चीज को बहुत ही लिबरल वे में लेते हैं। तो अगर आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स अपने आप जमा कर देते हैं और रिटर्न नहीं भी फाइल करते हैं जो कि कोई ऑप्शन आपके पास है भी नहीं तो ये आपके लिए एक अच्छा सेफ्टी हो सकता है। ये आप कर सकते हैं अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स असेसमेंट ईयर 18-19 फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए आप जमा जरूर कर दें अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी। तीसरा सिचुएशन जो बनता है वो बनता है असेसी हैविंग टैक्सेबल इनकम मोर देन 250,000 एंड टीडीएस डिडक्टेड और एडवांस टैक्स पेड। दूसरा सिचुएशन था कि आपकी टैक्सेबल इनकम तो है लेकिन आपने कोई भी टैक्स जमा नहीं किया ना ही टीडीएस आपका कटा है। अब तीसरा सिचुएशन है कि आपकी इनकम तो 250,000 से ऊपर है लेकिन जितना आपकी इनकम है और जितना आपने टैक्स बनना है वो आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स के रूप में जमा करा रखा है। तो इस सिचुएशन में अगर एडवांस टैक्स ज्यादा जमा हो गया है तो आप उसको रिफंड क्लेम करेंगे, अगर एडवांस टैक्स ज्यादा जमा नहीं हुआ है तो आपका निल बटा जीरो रहने वाला है सारा कुछ। और अगर सिमिलरली टीडीएस ज्यादा कट गया है अकॉर्डिंग टू योर इनकम तो आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते थे अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते, अगर टीडीएस भी आपका इक्वल कटा है जितना टैक्स बनता है तो कोई इशू नहीं था। तो अब सवाल यह है कि अगर टीडीएस या एडवांस टैक्स ज्यादा जमा हो चुका है और आपने रिफंड भी क्लेम नहीं किया है तो अब क्या होगा, क्या वो रिफंड हम लोगों को नहीं मिलेगा। इसके लिए एक प्रोविजन ये है कि इन दिस केस इफ टीडीएस और एडवांस टैक्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी देन नो नीड टू टेक एनी एक्शन। जो मैंने आपको बताया कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है अगर उसके बराबर रहता है एडवांस टैक्स और टीडीएस तब तो कोई इशू नहीं है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना है क्योंकि आपकी टैक्स की लायबिलिटी वैसे भी जीरो है, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, जब नोटिस आएगा तब हम लोग उस चीज को अपने आप प्रिपेयर करके दे सकते हैं डिपार्टमेंट को कि हमने टैक्स सारा जमा कर दिया है लेकिन रिटर्न जो है किसी कारणवश हमने फाइल नहीं करी है। लेकिन अगर आपका टीडीएस और एडवांस टैक्स एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है और वो रिफंड का बन जाता है तो उस केस में इन द केस द अमाउंट ऑफ टीडीएस और एडवांस टैक्स इज डिडक्टेड मोर एंड देयर इज रिफंड देन कंडोनेशन ऑफ डिले कैन बी फाइल्ड विद द कमिश्नर इफ ऑल अदर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो एक सर्कुलर है डिपार्टमेंट का कि आपका अगर रिफंड बनता है और वो स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस और उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस दी गई हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं उस सर्कुलर को लेकर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर लूंगा कि उसमें क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। तो एक कंडीशन ये है कि आपका रिफंड जो होना चाहिए और आपने जो रिटर्न नहीं फाइल किया है वो एक रीजनेबल ग्राउंड आपको प्रूफ करना होगा और उसके बाद आपको कंडोनेशन ऑफ डिले के हवाले से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस में ये चीज होता है, लेकिन ऐसा प्रोविजन है।
तो अगर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको सर्वर के बारे में जानना है या नहीं जानना है, उसके बाद ही मैं उस चीज की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो कि आपको देखने होंगे, आप कौन से सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं और आपके लिए क्या करना ठीक रहेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनकी भी इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ये 2019 के लिए रुक गई है या फाइल नहीं हुई है, वो इस वीडियो को देख करके अपनी स्टेप्स अकॉर्डिंगली सही तरीके से ले पाए। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर फॉलो नहीं किया तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।